आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम आपको बताएंगे कि विद्युत हम तक पहुंचती कैसे। विद्युत हम तक इलेक्ट्रिक मेंस के जरिए पहुंचती है। सवाल है कि इलेक्ट्रिक मेंस क्या होता है? तो जहां पर विद्युत बनाई जाती है वहां से विद्युत को लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना ही इलेक्ट्रिक मेंस का काम है। इलेक्ट्रिक मेंस के अंतर्गत मुख्यतः तीन विभाग आते हैं जिनका नाम जनरेशन स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले संक्षेप में हम जनरेशन स्टेशन को जानेंगे और विस्तार में काफी आगे जब आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबके लिए अलग अलग चैप्टर मिल जाएगा। जनरेशन स्टेशन यानी शक्ति संयंत्र, यह वह स्थान है जहां पर विद्युत पैदा की जाती है। थ्री फेज अल्टरनेटरों को पेट्रोल, कोयला, पानी इत्यादि के इनर्जी के जरिए काफी तेज घुमाकर 11 के भी विद्युत पैदा किया जाता है। अब इस 11 के भी विद्युत को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचा दिया जाता है। हम यहां यह समझेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन जनरेशन स्टेशन से लेकर विद्युत को रिसीवर स्टेशन तक पहुंचाने का काम प्राइमरी ट्रांसमिशन का है। उसके बाद रिसीवर स्टेशन से लेकर आपके गांव में, शहर में लगे 11 के भी ट्रांसफार्मर तक विद्युत को पहुंचाना सेकेंडरी ट्रांसमिशन का काम है। प्राइमरी ट्रांसमिशन में विद्युत को स्टेप अप करके जब 11,000 वोल्ट पैदा जनरेशन स्टेशन करती है तो उसी वोल्ट को लेकर पहले 66 के भी, 132 के भी, 220 के भी, 440 किलो वोल्ट इत्यादि रेशियो में बढ़ाकर उसको ट्रांसमिट किया जाता है। यह बढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि विद्युत उच्च वोल्टता पर उसमें लॉस कम होती है और दक्षता बहुत अधिक हो जाती है। अब इलेक्ट्रिकल मेंस में हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। जब ट्रांसमिशन लाइन ग्राही स्टेशन पर आकर समाप्त हो जाती है, यानी कि जनरेशन स्टेशन से लेकर रिसीवर स्टेशन तक विद्युत को ढोने का काम ट्रांसमिशन कर रही होती है, और ट्रांसमिशन जहां आकर समाप्त होती है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम निम्न आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। विद्युत कितने वोल्ट का है उसके अनुसार उसको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत उच्च वोल्ट आ जाते हैं आपको, जैसे 11 के भी, 33 के भी, 66 के भी, 220 के भी, 132 के भी, 440 के भी या इससे ऊपर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो पहले का 132 के भी आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्राप्त बिजली था, उसको जब शहर के ट्रांसफार्मर तक यानी उपभोक्ता से पहले वाले ट्रांसफार्मर तक पहुंचाया जाता है, इस बीच में काम करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाती है। अब इलेक्ट्रिक मेंस में डिस्ट्रीब्यूशन को करंट के नेचर के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है, जो हमारा दूसरा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ करंट। ए डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब दिष्ट धारा वितरण प्रणाली, और अल्टरनेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रत्यावर्ती धारा वितरण प्रणाली। डीसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डीसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे लिफ्ट को चलाने के लिए, क्रेन को चलाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को सप्लाई देने के लिए
प्रयोग किया जाता है, वही अल्टरनेट करेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे घरों को, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल इत्यादि को चलाने के लिए और उद्योगों को भी चलाने के लिए एसी करंट सप्लाई किया जाता है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। इसमें संरचना के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ए है ओवरहेड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह सिस्टम सड़क पर खंभा के ऊपर तार के रूप में आपको दिखाई देता है, यानी कि आपके सर से ऊपर किसी व्यवस्था के जरिए विद्युत सप्लाई को पूरा किया जाता है, वही ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसी के ठीक विपरीत पृथ्वी के अंदर केबलों को बिछाकर भी विद्युत लाइन सप्लाई किया जाता है, जिसे अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। अब है हमारा चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, संयोजन के आधार पर। इसमें विद्युत को किस प्रकार जोड़कर कंज्यूमर तक उपलब्ध कराया जा रहा है, इस आधार पर इसका नाम दिया गया है, वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ए है रेडियल सिस्टम, त्रिज्य प्रणाली। इसमें एक वृत्त के रूप में सभी उपभोक्ता रहते हैं और बीच सेंटर से लेकर सभी को सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करती है। तो यह एक रिंग के आकार का रूप ले, रेडियल रूप ले लेता है। हर जगह त्रिज्या का ही एक डायग्राम जब बनाइएगा तो वह डायग्राम आपको एक वृत्त के रूप में होगा और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है सो त्रिज्या के रूप में होगा। इसके बारे में विस्तृत ज्ञान आप आगे अंदर के चैप्टर में लेंगे। बी है रिंग मेन सिस्टम। इसमें सिर्फ गोल रिंग के रूप में सभी कंज्यूमर, सभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सभी ट्रांसमिशन सिस्टम जुड़ जाते हैं। और लास्ट है इंटरकनेक्शन सिस्टम, अंतर संयोजन। इसके जरिए सभी ग्रिड, सभी सब स्टेशन अंदर अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक मेंस में इस ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि विद्युत जनरेशन स्टेशन से आपके घर तक, कंज्यूमर के घर तक कैसे पहुंचती है। यहां हमारा जनरेशन स्टेशन है, यहां विद्युत पैदा की जाती है 11,000 वोल्ट में। 11,000 वोल्ट को यहां सबसे पहले 132 किलो वोल्ट पर स्टेप अप किया जाता है, मतलब उसे 11,000 से बढ़ाकर 132,000 बना दिया जाता है। 132,000 बनाने के बाद वहां से विद्युत को ढोकर यहां तक पहुंचाया जाता है, यही आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। यहां आने के बाद उस 132,000 वोल्ट को 33,000 वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। अब 33,000 वोल्ट को रिसीवर स्टेशन रिसीव करती है, यहां आकर आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन समाप्त हो जाता है। अब यह रिसीवर स्टेशन उस 33,000 वोल्ट को सेकेंडरी ट्रांसमिशन को दे देती है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन उसे ट्रांसमिट करने से पहले 33,000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके पुनः 11,000 वोल्ट में बदल देती है। 11,000 वोल्ट को अब सब स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है। यह सब स्टेशन उस 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए 440 वोल्ट में बदल देता है। यह आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब यहां से इसी 440 वोल्ट की तीन तारें L1, L2, L3 और साथ में एक न्यूट्रल आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि रिसीवर स्टेशन को RS भी कहा जाता है। यहां विद्युत 33,000 वोल्ट के रूप में रिसीव किया जाता है, रिसीव करके फिर यह सेकेंडरी ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट करती है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन
जहां आकर समाप्त होती है वह आपका सब स्टेशन कहलाता है। सब स्टेशन को पीएसएस भी कहा जाता है, पावर सब स्टेशन, या मैंने एसपी भी लिखा है, सब स्टेशन को एसपी भी कहा जाता है, सब स्टेशन। सब स्टेशन से पुनः करें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को चली जाती है, या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 11,000 लेकर 440 वोल्ट में करंट को बदलकर कंज्यूमर के घर तक पहुंचाती है। कंज्यूमर के घर तक यह 440 वोल्ट का करंट पहुंचते पहुंचते तारों के रेजिस्टेंस के कारण स्वतः कम होकर 230-240 के आसपास पहुंच जाती है। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, इसलिए कि आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट है, और शॉर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले बनाए गए वीडियो को आप देखें और इन बातों को, पिछले पढ़ाए गए बातों को अपने ध्यान में रखें। अगर आप इसे ध्यान में नहीं रखिएगा तो अगले आने वाले चैप्टर्स में आपको सहूलियत नहीं होगी।